नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। संसद से विजय चौक तक विपक्षी सांसदों का मार्च हुआ शुरू। राहुल ने देश में राजनीति के स्तर को गिराया है, कांग्रेस कोर्ट के फैसले पर भी उठा रही है सवाल, बीजेपी का कहना। ग्वालियर में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.0 नापी गई तीव्रता। भारत 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर कर रही है काम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना। एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी, कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए नामित अजय बंगा हुए कोरोना पॉजिटिव, पीएम मोदी से होनी थी मुलाकात। उत्तर कोरिया ने पानी के अंदर हमला करने वाले परमाणु ड्रोन का किया परीक्षण। देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए कोविड 19 के 1,250 नए केस, 8,000 के करीब पहुंचे एक्टिव मामले। नागपुर में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी राजी कुरेशी का हुआ पर्दाफाश, मुंबई से लाया गया नागपुर। और डायरेक्टर प्रदीप सरकार का निधन, परिणीता मर्दानी जैसे फिल्मों का किया था निर्देशन।